हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति, ट्रेडर, आपका अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम अगेन ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में कौन कौन सी फंडामेंटल इवेंट्स हैं और कौन कौन सी ऐसी न्यूज है जो मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए चलिए, जैसे कि हम अपनी सारी की सारी फंडामेंटल न्यूज़ को एडवांस में investing.com पर देखते हैं। और investing.com पर न्यूज़ को देखने के लिए हमें यहाँ पर टूल्स में जाना होता है और यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों, जैसे मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे जितने भी मार्केट्स में न्यूज़ और फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमने फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ का यहाँ पर लिस्ट लगा दी है, तो हमें सबसे पहले एक बेनिफिट हो गया, यानी कि कल जो लोग ट्रेड करने वाले हैं बिना फंडामेंटल को देखे, तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यानी कि कल होप्सो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहेंगी, क्योंकि जो दो बड़ी कंट्री हैं उनमें हॉलीडे है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मंडे यानी कि 20 फरवरी तो यहाँ पर कनाडा में फैमिली डे है, यानी कि यहाँ पर हॉलीडे है पूरे दिन का। देन उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में भी वाशिंगटन बर्थडे है, तो यहाँ पर भी ये पूरे दिन के लिए हॉलीडे रहेगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग कंट्री है, यानी कि जो स्ट्रांग करेंसी है, वो है USD। और USD किस कंट्री की करेंसी है? यूनाइटेड स्टेट की। तो यूनाइटेड स्टेट जब बंद रहेगा, तो इसका मतलब सीधा से ये है कि मार्केट की हलचल कम रहेगी, और इस चीज़ को आप कल देख लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर चाइना से एक न्यूज है, तो PBOC लोन परमिट रेट है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं जो लोग चाइना के डेटा पर ट्रेड करते हैं या फिर चाइना की करेंसी पर ट्रेड करते हैं। तो बाकी हमारा इस वीडियो में ये उद्देश्य होता है कि आने वाले वीक में जितने भी फंडामेंटल इवेंट्स हैं उन सभी के ऊपर एक नजर डाल ली जाए। तो हमें पूरे वीक का फंडामेंटल इवेंट देखने के लिए यहां पर दिस वीक पर क्लिक करना है। तो जैसे हम दिस वीक पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने ये नेक्स्ट डे यानी कि मंडे का डेटा आ गया, जो कि यहां पर छुट्टी है पूरे दिन की, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहने के चांस बहुत कम है। देन उसके बाद ट्यूसडे में आप देख सकते हैं, यहां पर RBA यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग माइनेट है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है। दरअसल जब मीटिंग के माइनेट्स आते हैं, उस टाइम पे मार्केट वोलेटाइल ज्यादा नहीं होता है, उस टाइम मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करता है। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो इस समय पे माइनेट्स के टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाता है। माइनेट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी एक किसी भी कंट्री की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है, तो उससे पहले थोड़ा सा माइनेट्स आते हैं, यानी कि मीटिंग्स होती हैं, उसमें बैठक में बातचीत होती है कि क्या इंटरेस्ट रेट में कौन से प्राइस रखने चाहिए, कितना रेट हाइक करना चाहिए या फिर कितना कम करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ही बातें होती है। तो इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती, मार्केट एक स्टेबल मूवमेंट करता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं, जर्मन का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है, जो कि यूरो की करेंसी को बहुत इफेक्ट करने वाला है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देन अगर आप GBP में ट्रेड करते हैं, तो कंपोजिट PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विस PMI, ये सारे के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिल्टर करके ये 3-स्टार वाले डेटा लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी वो डेटा नहीं दिखेगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर यूजफुल नहीं है, यहाँ पर सारे ही डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनमें से यहाँ पर कुछ फिल्टर करके आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही हाई वोलेटाइल मूवमेंट करते हैं और सेंसिटिव डेटा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कोर रिटेल सेल्स। तो दोस्तों, अगर आप CAD में ट्रेड करते हैं, यानी कि CAD के पेयर में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर कोर रिटेल सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है। कोर CPI का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जिस्टिंग होम सेल्स, जो कि USD का डेटा है। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं या फिर आप USD के किसी भी पेयर में ट्रेड करते हैं, तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि यहाँ पर ट्यूसडे यानी कि 21 फरवरी को आ रही है शाम को 8:30 बजे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर बुधवार में हम देख सकते हैं, जो लोग न्यूजीलैंड डॉलर में ट्रेड करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड यानी कि यहाँ पर वहाँ का न्यूजीलैंड का जो बैंक है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन कर रहा है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है। तो अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर के पेयर में ट्रेड करते हैं, तो इस न्यूज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर यूरो के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में अगेन ये न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि न्यूजीलैंड डॉलर के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जापान का हॉलीडे है, तो जापान में उस दिन एम्परर बर्थडे है, तो यहाँ पर जापान की जो सारी की सारी करेंसी ट्रेडिंग है वो बंद रहने वाली है, तो जापान की तरफ से आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। देन उसके बाद USD की भी यहाँ पर FOMC मीटिंग माइनस स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर उसके बाद यानी कि सबसे बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग होम सेल का डेटा आएगा। देन उसके बाद जो ये न्यूज़ है आने वाली करेंसी के रिगार्डिंग, तो इनका प्रभाव मार्केट पर पड़ेगा। देन उसके बाद FOMC की मीटिंग के लिए माइनेट्स यहां पर निकलने शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरो के लिए सीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि यूएसटी के रिगार्डिंग आ रहा है, देन उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। तो यहाँ पर थर्सडे में आप देख सकते हैं तीन इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीडीपी का डेटा बहुत ही सेंसिटिव न्यूज होता है, मार्केट को हिला के रख देता है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का, ठीक है। देन अगर आप किसी भी न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में रीड करना चाहते हैं, उसका मतलब समझना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उस न्यूज़ पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं US इनिशियल जॉबलेस क्लेम, तो इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं कि ये किस तरह का डेटा होता है और मार्केट पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये डेटा अपने पिछले डेटा से हाई आता है, यानी कि ज़्यादा और बढ़कर आता है, तो ये USD के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ होती है, और अगर अपने पिछले डेटा से कम आता है तो ये USD के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, क्योंकि ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम है और इसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपको हमने बताया क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है, तो जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो इन्वेंट्री को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। और उसके बाद फ्राइडे में यहाँ पर जर्मन की जीडीपी आने वाली है, और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है, और न्यू होम सेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूएसडी के लिए। तो यहाँ पर आपको मैंने सारे के सारे जो भी सेंसिटिव डेटा है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्केट के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको सभी यहाँ पर बता दी है। और दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रेड करें तो सबसे पहले investing.com पर एक बार यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर को जरूर देख लें। इससे आपको मार्केट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने के लिए पता लग जाता है कि आज मार्केट का मोमेंट किस प्रकार से रह सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि मार्केट में आज हलचल नहीं है, मार्केट में कुछ दम नहीं है, मार्केट किधर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का मैंने आपको बताया ना, मार्केट ना फंडामेंटल इवेंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मार्केट में अगर इस तरह का मोमेंट है तो अचानक से जो इतने बड़े बड़े मोमेंट आते हैं या फिर इस तरीके से मोमेंट आते हैं तो फंडामेंटल इवेंट्स के कारण। जैसे जैसे वीकली हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी न्यूज आती रहती हैं, तो उसी तरीके से करेंसी के डायरेक्शन मूव होती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि क्या क्या यहाँ पर फंडामेंटल इवेंट्स रहने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी प्रीवियस वीक की एनालिसिस है। यहाँ पर मैंने जब फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर मैंने इस तरह का मोमेंट आपको बताया था कि गोल्ड का, यहाँ पर मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ था और गोल्ड तब यहाँ पर ट्रेड कर रहा था इस रेंज में। और इस रेंज में ट्रेड करने के बाद जो मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बोला था आपको कि गोल्ड को पहले नीचे आना पड़ेगा इस रेंज में, और इस रेंज में अगर गोल्ड आता है और यहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंट देता है तो मार्केट ऊपर तक जा सकता है। तो आइए अभी देख लेते हैं कि आज की डेट में गोल्ड का क्या स्टेटस है और इस वीक में गोल्ड ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेम वही लाइन है जो मैंने पिछले वीक यहाँ पर लगाई थी, और मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया था कि मार्केट को अभी थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट एक बुलिश मूव देता है तो आप यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। तो मार्केट में आपको यहाँ पर 1920 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन आपको इतने बड़े टारगेट का वेट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 1880 के समथिंग होना चाहिए, देन 1900 और उसके बाद 1920। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको हमारे लिंक से एक अकाउंट ओपन कराना होता है, और अकाउंट ओपन करा के मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।